नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरीश खारी आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन ग्रेफाइटिस के बारे में। दोस्तों ग्रेफाइटिस एक पॉलीक्रस्ट रेमेडी है, यानी एक साथ कई रोगों में काम आती है, जैसे एक्जिमा, सोराइसिस, नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन होना या फिर डैंड्रफ होना। दोस्तों और भी ग्रेफाइटिस काफ़ी सारे रोगों में यूज़ की जाती है, जैसे ल्यूकोरिया, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। आइए दोस्तों जानते हैं ग्रेफाइटिस का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, यानी पेशेंट दिखने में कैसा होता है, ये दवाई किन लोगों को सूट आएगी, क्या उसके लक्षण होंगे। दोस्तों ग्रेफाइटिस का पेशेंट मोटापे का शिकार होता है, शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों पर अस्वस्थ चर्बी का भर जाना होता है, जो शरीर के पोषण की क्रिया को बिगाड़ने का काम करते हैं। पेशेंट को ठंड बहुत लगती है, चेहरा पीला रक्तहीन होता है, कब्ज का शिकार पेशेंट हमेशा रहता है। दोस्तों ग्रेफाइटिस का पेशेंट कब्ज के साथ त्वचा के भिन्न भिन्न रोगों से पीड़ित रहता है। दोस्तों वैसे तो ग्रेफाइटिस का पेशेंट शीत प्रधान यानी चिली पेशेंट होता है, जो सर्दी सहन नहीं कर सकता, लेकिन रोगी सर्दी भी ज़्यादा महसूस करता है और गर्मी भी ज़्यादा महसूस करता है। सर्दियों में सर्दी नहीं सहन कर सकता, गर्मियों में गर्मी नहीं सहन कर सकता, गर्म कमरे में हो तो खुली हवा चाहता है, बिस्तर की गर्मी से भी रोग में वृद्धि होती है, ठंड से भी रोग में वृद्धि होती है। आइए दोस्तों जानते हैं त्वचा के लक्षण क्या होते हैं। त्वचा के लक्षणों में सबसे पहले एक्जिमा की बात की जाए या फिर फोड़े फुंसी की बात की जाए, तो दोनों में से शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ डिस्चार्ज होता है। यह एक्जिमा शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है, जहां भी यह होगा उसमें से शहद जैसा डिस्चार्ज होगा। फुंसियों में भी ऐसा डिस्चार्ज निकल सकता है। इस प्रकार का एक्जिमा और फुंसियाँ विशेष रूप से कान पर या कान के पीछे, चेहरे पर या सिर पर या आँखों की पलकों पर निकलती है। किसी किसी रोगी के गुदा द्वार के चारों तरफ ऐसा एक्जिमा या ऐसी फुंसियाँ निकल जाती हैं। दोस्तों ज़्यादातर बच्चों के सिर पर कान के चारों तरफ ऐसी फुंसियाँ भर जाती हैं, जिनमें से चिपचिपा लसदार शहद के समान डिस्चार्ज होता है। ऐसे में आप ग्रेफाइटिस लें तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन रहती है। दोस्तों ग्रेफाइटिस को नाखूनों के फंगल इन्फेक्शन में भी यूज़ किया जाता है, या शरीर में किसी भी पार्ट पर दरार पड़ जाए तो ग्रेफाइटिस यूज़ की जाती है। उंगलियां और पैरों के नाखून मोटे हो जाते हैं, बदशक्ल हो जाते हैं, उनमें दरार पड़ती हुई दिखती है, चिटक जाते हैं। दोस्तों कई बार रोगी को हाथ की चमड़ी और पैरों की एड़ियों पर दरार और चिटक पड़ जाती है, या फिर रोगी के मुंह और नाक के बराबर की स्किन फटने लगती है। दोस्तों महिला रोगी में कई बार प्राइवेट स्पॉट्स पर भी ऐसा देखने को मिलता है, उनकी बराबर की स्किन फटने लगती है। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन और कब्ज में भी ग्रेफाइटिस बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर रोगी को सख्त कब्ज पाई जाती है, मल का रूप कठोर होता है, उसमें बकरी की मेंगनिया जैसी गांठें पड़ी हुई होती हैं, मल की गांठें सख्त और गोलियों के रूप में होती है। मल त्याग के बाद मल की शक्ति से गुदा प्रवेश के चिटक जाने के कारण दर्द होता है, जलन होती है, ऐसे में आप ग्रेफाइटिस यूज कर सकते हैं। दोस्तों महिला रोगी यानी लेडीज पेशेंट में जो ल्यूकोरिया होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, उसमें भी ग्रेफाइटिस यूज की जाती है। अगर पेशेंट को ल्यूकोरिया के साथ कॉन्स्टिपेशन भी हो तो इसे ज़रूर यूज़ करें। ग्रेफाइटिस के अगर किसी भी पेशेंट के रोग बढ़ने के लक्षणों की बात करें तो ठंड लगने से रोग बढ़ता है, फीमेल पेशेंट में पीरियड्स के दौरान रोग बढ़ता है, शरीर में कहीं भी अगर दाने निकल गए हो और उनके दब जाने के कारण रोग हो तो ग्रेफाइटिस यूज़ कर सकते हैं। बिस्तर की गर्मी से अक्सर इस पेशेंट को एग्रावेशन होता है, गर्म पानी पीने या गर्म खाना खाने से रोग में वृद्धि होती है, रात को सोते समय वृद्धि होती है। पेशेंट को रेस्ट के दौरान आराम मिलता है और ढके रहने से रोग में कमी आती है, खुली हवा लगने से आराम मिलता है। दोस्तों ग्रेफाइटिस या होम्योपैथी की किसी भी मेडिसिन का सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, दवाई खुद से नहीं लेनी चाहिए। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सलाह ले सकते हैं।